पैसे की लेन देन को लेकर एक वीडियो चल रहा है जिसमें आप से पैसे की लेन देन की बात आ रही है, क्या पूरा मामला? मेरे से पैसे की लेन देन कोई बात नहीं हो रही है, वीडियो मैंने भी देखा है। एक्चुअली में ये जो अवध हॉस्पिटल का प्रोप्राइटर रंजीत कुमार है, पिछले एक साल से अपने हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हाथ पांव मार रहा है। एम के प्रकार ने अपना हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, जबकि उसका हॉस्पिटल पिछले साल जून में हमारे पूर्ववर्ती सीएमओ द्वारा सीज किया गया था। वहाँ अल्ट्रासाउंड अवैध रूप से चलता हुआ पाया गया था और फिर मेरे पेट में वो रजिस्ट्रेशन के लिए एक साल से प्रयास किया कर रहा है, क्योंकि वो अवैध चिकित्सालय अवैध है, मेरे द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, तो वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर सके, इसलिए वो ट्रैप करने की कोशिश नहीं की है। पिछले 10 दिनों से इस वीडियो के नाम पे हमसे बार बार ये कह रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन कर दीजिए वरना मैं वीडियो वायरल करूँगा। चूँकि चिकित्सालय उसका अवैध है, वहाँ कोई चिकित्सक नहीं है, मैं बार बार उनसे कह रहा हूँ कि बगैर चिकित्सक के चिकित्सालय नहीं चल सकते हैं, चिकित्सक रहेंगे तो चिकित्सालय का संचालन कर सकते हैं। मैंने उनको अब तक एक साल में कोई बेनिफिट नहीं दिया है, यही अपने आप में साक्ष्य है कि मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए हैं। अगर उससे कोई पैसे लिया जाता तो उनको कोई ना कोई बेनिफिट दी जाती है। अच्छा, जो पैसे की बात वीडियो में चल रही है, वीडियो में आप भी देख रहे हैं, क्या वो सब भाई वीडियो में पैसे की बात इसी चल रही है कि वो खुद वीडियो बना रहा है, कैमरा उसने ऑन किया है, तो जानता है कि उसको अपने पक्ष में क्या बोलना है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो ट्रैप करने की कोशिश है, ब्लैकमेल करके अपना काम करवाने की कोशिश है, और इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है।